हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज के क्लिप ऑन इंडक्शन कुकर के बारे में, जिसमें काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन आपको हांडी की देखने को मिलेगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो 5 लीटर कैपेसिटी का प्रेशर हांडी कुकर है क्लिप ऑन सीरीज का, तो ये काफ़ी यूनिक होने वाला है और इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग देखिए आज इस वीडियो में। और अगर ये कुकर आपको पसंद आता है तो आपको मिलेगा काफ़ी बिंदास डिस्काउंट में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इस लाजवाब कुकर को और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और कितना ज़्यादा सेफ है कुकर, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स पैकेजिंग जो दी हुई है ये पिंक कलर और वाइट कलर में दी हुई है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और कैपेसिटी जो है इसकी 5 लीटर की होती है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, ये सामने ये रहा। और वारंटी कार्ड में यहाँ पे एक अटैचमेंट भी देखने को मिल जाता है। इसको ज़रा हम साइड में रखते हैं और दिखाते हैं कि कंप्लीट बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये पैकेजिंग मिलती है, जिसमें ये एक्स्ट्रा ढक्कन, कांच का ढक्कन मिलता है। इसको हम यहाँ हटा देते हैं और यहाँ से निकालते हैं अपना प्यारा सा क्लिप ऑन कुकर हांडी शेप में। तो कुकर को जरा इधर डिब्बे को जरा साइड में रख लेते हैं और हांडी शेप का ये कुकर आपको दिखाते हैं फर्स्ट लुक आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये है कि पैकेजिंग काफ़ी अच्छे से करी रहती है, जैसे हैंडल लॉजिस्टिक्स में टूटे ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने में ये कुकर आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कुकर में क्या क्या खासियत आपको मिलती है वो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ऊपर से इसको हटा देते हैं, पैकेजिंग पूरी कम्प्लीट आपके सामने जो ओरिजिनल पैकेजिंग है उसको हटा के देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हटा देंगे और यहाँ पे जो पॉली पैकिंग है उसको भी ओपन कर लेते हैं और लेकर आते हैं फर्स्ट लुक क्लिप ऑन हांडी का। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा हांडी नहीं समझ में आ रही होगी, बट अब समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे हांडी शेप का क्लिप ऑन कुकर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन शेप दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसके सारे कंप्लीट फीचर्स को। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आपको एक विसल, नॉर्मल विसल सिस्टम मिल जाता है और इधर क्लिप ऑन को ओपन और क्लोज करने का कंप्लीट तरीका। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन कर देंगे और ये रही इसकी हांडी। तो हांडी का नीचे का बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है और साथ ही साथ नीचे से इसमें हैवी बॉटम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये हैवी बॉटम ISI मार्क्ड है, जिससे ये कुकर बन जाता है बिल्कुल सेफ। और इसको कुक, सर्व एंड स्टोरेज के पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी इसकी 5 लीटर की है और साइड में जो हैंडल्स दिए हैं काफ़ी मजबूत और इंटैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसमें दिखा देते हैं कि हमें कौन सा एक्स्ट्रा ढक्कन इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये रहा इसका एक्स्ट्रा लिड, जो इसमें आप आराम से लगा के रीहीट या कोई भी चीज़ अगर आपको स्टीम कुकिंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कुकर है जो कुकर का तो काम करेगा ही करेगा और यहाँ पे हांडी का भी काम करेगा 5 लीटर कैपेसिटी में। कुछ इस तरीके इसको रख देंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूँ तो यहाँ ISI मार्किंग मिल जाती है, यहाँ आपको प्रेशर रिलीजिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा सेफ कुकर और बहुत ईजी टू यूज़ होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्वच्छ कुकर की, तो यहाँ पर ये डीप लिड दी हुई है, जिसकी वजह से जब भी इसमें दाल आल आप बनाएंगे या कोई भी चीज़ बनाते हैं, थोड़ा बहुत लिक्विड अगर सीटी से बाहर आता है तो इसके अंदर ही रहेगा और गैस स्टोव को ख़राब नहीं करेगा। उसी के साथ साथ इसकी कैपेसिटी 5 लीटर मिलती है, जो अंदर का जो बेस दिया हुआ है नीचे का काफ़ी चौड़ा बेस है, जिसकी वजह से आप इसमें खुल के पूरी चीज़ें बना सकते हैं, चलाने का आसान है सिस्टम। और इसके नीचे यहाँ पे एक स्टैंड मिलता है, जिसको रख के आप इसमें जब भी कोई भी चीज़ बॉईल करेंगे तो नीचे की तरफ से सौगी नहीं होगी। स्टील की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग की ये आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें साइड के जो हैंडल्स लगे हुए हैं काफ़ी इंटैक्ट और दो दो पेंच के साथ लगे हुए रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे एक ग्लास सेट मिलती है, टफन ग्लास की होती है। यहाँ पे साइड में एक स्लिट यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आप आराम से कोई भी स्पैचुला इजीली रख सकते हैं। अच्छा, इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। इसके अगर नीचे से देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ से यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ये सीटी का यहाँ पे नोजल दिया हुआ है, ये सेफ्टी वॉल दिया हुआ है, ये प्रेशर इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारी फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। ये गैस्केट है, आप निकाल के इजीली क्लीन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको रख के कुछ इस तरीके से चाहे ऐसे लॉक कर दीजिए, चाहे आप इस तरीके से लॉक कर दिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट 360 डिग्री में चाहे जैसे आप लॉक करिए ये लॉक हो जाता है। तो 100% सेफ कुकर है और साथ ही साथ काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में बना हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो चलिए अब इसकी प्राइसिंग की भी बात कर ली जाए।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका काफ़ी बेहतर प्राइस मैंने दे रखा है। और अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 4900 की इसकी प्राइसिंग आती है, जिसमें 15% से 20% का आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसका मैं वजन की बात करता हूँ तो काफ़ी हैवी कुकर्स में ये है। अगर आप इसको एब्रॉड लेके जाना चाहते हैं तब मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अपने घर के लिए कुछ हांडी शेप का बढ़िया हेल्दी हाइजीनिक कुकर लेना है जो डिशवॉशर में भी आप साफ कर सके, तो ये कुकर आप ही के लिए है। नीचे से हैवी बॉटम काफ़ी लाजवाब दिया हुआ है जो कि गैस इंडक्शन हीटर सिरेमिक हॉट प्लेट सब पे कंपैटिबल होता है। तो यहाँ पे हांडी मिल जाएगी 5 लीटर की, इसके साथ एक ये ढक्कन मिलेगा और ये एक प्रेशर लिड मिल जाएगी। सीटी इसके अंदर होती है, इसकी गारंटी वारंटी 5 ईयर्स की होती है। तो कैसा लगा ये कुकर ज़रूर बताइए। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ओरिजिनल बाय लिंक दिया हुआ है, जहाँ से ये लाजवाब हेल्दी कुकर आप अपने घर में मंगा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।